इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, वो सारी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट है वो पड़ेगी एक सिस्टम की, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। फिर सेकेंड बात करें तो एक पेन ड्राइव होनी चाहिए जो 8 GB से ऊपर होनी चाहिए, 16 GB सफिशियंट है तो 16 GB की पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करें कि आपके पास विंडोज 11 की ISO इमेज होनी चाहिए ताकि आप विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव बना सको। तो ये तीनों चीजें मस्ट है, ये होनी चाहिए, उसके बाद में ही आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पे एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है रिफ्यूज। रिफ्यूज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप बूटेबल पेन ड्राइव वगैरह बना सकते हो काफी इजी स्टेप्स में, ठीक है। तो इस पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाओगे। तो नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद में डाउनलोड वाला सेक्शन है, उसमें यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे जो लेटेस्ट वाला वर्जन है वो ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा, 3.17 का यहाँ पे है। और ये जो साइज है इस सॉफ्टवेयर की वो है 1.3 MB, ठीक है। तो कुछ ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, एकदम मामूली सॉफ्टवेयर है लेकिन काम काफी ज्यादा बड़े है, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप इस पे टैप करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस में थोड़ा टाइम ले सकता है, उसके बाद में यहाँ पे डाउनलोड होके आपके पास आ जाएगा। इस पे सिंपली टैप करना है, जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे अभी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, या फिर यहाँ पे ओपन नहीं होता है तो डाउनलोड में जाके उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको यस कर देना है, यस करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पे ओपन होगा और आपको अपनी पेन ड्राइव लगा देनी है, जो कि मैं ऑलरेडी लगा रखा हूं। मैं आपको हटा के दोबारा लगा के बता देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं है, जैसे आप पेन ड्राइव लगाओगे तो यहाँ पे पेन ड्राइव शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने पेन ड्राइव लगाया तो मेरा 64 GB वाला पेन ड्राइव यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर आ रहा है ISO इमेज सेलेक्ट करने का, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट इमेज करना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो विंडोज 11 की इमेज है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है विंडोज 11 ISO फाइल, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन करना है। जैसे ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे GPT रहने देना है, अगर आपके MBR आ रहा है तो यहाँ पे GPT जरूर करना, क्योंकि विंडोज 11 GPT पे ही चलेगा, GPT के अलावा ये MBR में नहीं चल पाएगा, ठीक है। उसके लिए मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि GPT और MBR में, और आपको अगर इन पे अंतर करना है या फिर इन पे सीखना है कि GPT और MBR क्या होता है, तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आई बटन में मैंने लिंक भी दे दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे विंडोज का नाम दे सकते हो, जो भी आपको नाम देना है, विंडोज 11 कर सकते हो, जो भी आपको लेबल देना है अपनी पेन ड्राइव पे वो यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करना है। अब मैं बता देता हूँ कि आपको सावधानी क्या रखनी है, आपको एक्सटर्नल कोई भी यहाँ पे USB वगैरह कनेक्ट नहीं करनी है, जिस पे बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है वही पेन ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट करे, 2-3 पेन ड्राइव कनेक्ट करके नहीं रखे, क्योंकि आपका कहीं दूसरी पेन ड्राइव में डेटा वगैरह होगा और यहाँ पे सेलेक्ट हो गया गलती से और यहाँ पे स्टार्ट कर दिए तो आपका पेन ड्राइव वगैरह फॉर्मेट हो जाएगा, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। फिर आप मुझे मत कहना कि आप ये चीज नहीं बताए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं करनी है, वही पेन ड्राइव कनेक्ट करके रखनी है जो आपको विंडोज 11 के लिए चाहिए, ठीक है। तो वो पेन ड्राइव कनेक्ट कर ले और यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट करोगे ये वार्निंग आएगी कि आपका जो भी डेटा है वो वगैरह यहाँ पे लॉस हो जाएगा, तो ओके करते ही जो आपका पेन ड्राइव वगैरह है वो फॉर्मेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट हो चुकी है पेन ड्राइव, फॉर्मेट होने के बाद में यहाँ पे क्रिएटिंग चल रही है, क्रिएटिंग होने के बाद में यहाँ पे कॉपी चलेगा, जो कॉपी है वो फाइल्स वगैरह इसमें कॉपी होगी। ये देखिए यहाँ पे कॉपी चल चुकी है, अभी ये कॉपी होगा यहाँ पे 100% होने के बाद में सारी जो फाइल्स वगैरह है वो विंडोज 11 की इसमें कॉपी हो जाएगी आपकी पेन ड्राइव में, ठीक है। तो आपकी ये पूरा होने के बाद में सक्सेसफुली पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी। फिर आपको अपना सिस्टम शट डाउन करना है या रिस्टार्ट करना है, और आप जैसे बूट की प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका पेन ड्राइव का नाम आ जाएगा और उसकी मदद से आप विंडोज 11 में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो अपनी विंडोज वगैरह को, या फिर विंडोज 11 डाल सकते हो, इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन वाला वीडियो चाहिए तो आप मुझे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। आप मुझे फेसबुक पे या सभी पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज दोस्तों लाइक से जरूर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को ये नॉलेज मिल पाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।